आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है, निःशुल्क महाशिविर का किया गया है आयोजन। जी हां, ये खबर उठकर सामने आ रही है अहरोरा थाना क्षेत्र से, जहां पे आप सभी को बताते चलिए, अहरोरा थाना क्षेत्र के कन्हईपुर चित विश्राम SRVS विद्यालय के प्रांगण में कम्बल वितरित, नेत्र शिविर, दवा चश्मा वितरण, ट्राई साइकिल एवं गरीब छात्रों को ड्रेस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि प्रियंका निरंजन जिला अधिकारी मिर्जापुर, विशिष्ट अतिथि उप जिला अधिकारी चुनार चनंत्र भानु सिंह रहे, और इसी के साथ में मौजूद विद्यालय के प्रबंधक छत्रवली सिंह, श्याम जी सिंह के नेतृत्व में लगभग 2000 गरीबों को कंबल वितरित, विकलांगों को ट्राई साइकिल वितरण व छात्रों को ड्रेस वितरण किया गया, जिसे पाकर गरीब खुश दिखे। वहीं SRVS विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं विद्यालय परिवार ने जिला अधिकारी महोदया का अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर में विद्यालय परिवार के सोरू सिंह समेत सभी स्टाफ व गणमान्य लोग मौजूद रहे। काशी नेत्रालय से आए डॉक्टरों ने नेत्र परीक्षण किया, लोगों को ऑपरेशन का डेट दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब असहाय लोगों के लिए पुनित कार्य करना संबल की तरह है। वही कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मां भगवती भंडारी देवी धाम में टेका माथा और इसी के साथ में विधिवत दर्शन पूजन पहाड़ पर बने अशोक अभिलेख पट का भी किया, और इसी के साथ निरीक्षण कहा कि भंडारी देवी धाम को पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए विकास जरूरी है। जी हां, तो इसी के साथ इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर से ही फॉलो करें। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपके गांव में भी किया गया होगा ना, कितने लोगों के गांव में किया गया है अभी तक? गई थी जो जिसके गांव में किया गया, आप लोग हाथ उठाकर बता सकते हैं किस किस के गांव में चौपाल का आयोजन हुआ है? हुआ है, चलिए लोग बता रहे हैं कि हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो है उसका उद्देश्य यही है कि अभी तक जो बहुत सारी शासकीय योजनाओं का लाभ आपको दिया जा रहा था, अगर उसमें से कोई छूट गया हो, किसी की पेंशन बनने से रह गई हो, या किसी का कोई अन्य योजना का लाभ, राशन कार्ड की कोई समस्या हो, बिजली संबंधित कोई समस्या हो, तो वो जो चौपाल हो रही है वहाँ आपको अधिकारियों को अपनी समस्याओं को लिखवा देना है, और उन समस्याओं का समाधान संबंधित जो अधिकारी हैं वो करेंगे। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी योजना आई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसमें गांव में जो लोग बढ़ई का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, या बोची का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, या इसी तरह की उसमें बहुत सी विधाएं, बर्तन बनाने का काम, लोहे के हथौड़े या कील बनाने का काम, इस तरह के जो लोग काम करते हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान पोर्टल पर करा सकते हैं, और उन्हें सरकार द्वारा अपना व्यवसाय करने के लिए आवश्यक सहायता और प्रशिक्षण सभी कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसका बुजुर्गों को कंबल वितरण, विद्यालयों को ट्राई साइकिल वितरण, और बच्चियों को ड्रेस वितरण किया गया है। इसमें मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया, और जो ये SRVS विद्यालय है इसके प्रांगण में जो इन लोगों को सामग्री का मिले मैम, कुछ विकलांग और कुछ अपात्र लोग भी मिले आपको, चिन्हित किया गया? कुछ दिव्यांग लोग भी मिले थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो छूट गए थे पेंशन योजनाओं के लाभ से। तो जैसे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो यहाँ हमने खंड विकास अधिकारी और अपन उप जिलाधिकारी जो यहाँ के हैं उनको निर्देशित किया है, यहाँ पर कैंप लगाकर जो भी छोटे हुए लाभार्थी हैं उनका चिन्हीकरण करेंगे, पंजीकरण करके उनको लाभ देना सुनिश्चित करेंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।